मतलब मैं लेटती ही नहीं थी, तो मुझे सिंपल वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं कि वो थोड़ा कम में हो जाए। हाय एवरीवन, आज मैं आराम से आपके सारे वो क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो आपने मुझसे पियर्सिंग से रिलेटेड पूछे हैं। सबसे पहले मैं इंस्टा वाले क्वेश्चंस के आंसर करूंगी क्योंकि वो थोड़े कम है, उसके बाद यूट्यूब वाले। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि कब कैसे कहाँ करवाया, परेशानियां हुई मुझे या नहीं, और मेरी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया। और इन सबसे पहले मैं आप लोगों को गिव अवे का रिजल्ट बता देती हूँ। हालांकि मैंने अनाउंसमेंट कर दी है, पर आप में से बहुत लोग मुझसे रिजल्ट पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। मुझे विनर डिसाइड करने में बहुत परेशानी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि किसे विनर बनाऊं। सबके कमेंट्स बहुत अच्छे थे, पर किसी एक को चूज करना था, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर डिसाइड किया विनर। अनफेयर ना हो इसलिए थोड़ा टाइम लगा हमें, और फाइनली हमें हमारी विनर मिली, मेघा पानी। मैंने कभी ऐसा हैम्पर पार्सल नहीं किया था, तो मुझे इसका पैकिंग और पार्सल वगैरह करने का कोई आइडिया नहीं था, तो मेरे पापा ने खुद जाके हैम्पर को पूरा पैक करवाया और फिर यहाँ से पार्सल किया था। अब वो गिफ्ट हैम्पर अपनी जगह पे पहुंच चुका है। जब मुझे गिव अवे विनर अनाउंस करने में टाइम लग रहा था, तो मुझे याद है किसी एक ने मुझे डीएम किया था कि गिव अवे विनर अनाउंस भी करना है या फिर सिर्फ फॉलोअर गेन करने के लिए गिव अवे रखा था, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था। शायद अब उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मैंने गिव अवे करने के लिए ही रखा था। ओके, तो ये सब छोड़ो, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बना रहा आप लोगों का, तो आगे फ्यूचर में मैं और भी गिव अवे करूंगी। अब हम 200K के बहुत करीब हैं, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्या पता मैं 200K पे भी गिव अवे रखूं। और अब मैं मेरे पियर्सिंग के बारे में बात करने वाली हूँ, एक एक क्वेश्चन आंसर करते हुए। आपने नेवल पियर्सिंग कब करवाई थी? मैंने पियर्सिंग 10 दिसंबर 2017 में करवाई थी, और उस टाइम मैंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे करवाना ही है, और सब जगह मुझे यही दिखता था तब। होता है ना, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हम ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं, और सब जगह हमें वही चीज़ दिखने लगती है। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। फिर मैंने यहाँ पता किया कि कहाँ कहाँ पे पियर्सिंग होता है, बहुत सारी जगह पे मैं गई और वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, क्योंकि पियर्सिंग के लिए पैसे मम्मी तो नहीं देने वाली थी, और मुझे वो अपने पैसों से ही करवाना था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह पता चली कि वहाँ थोड़ा कम में हो जाएगा पियर्सिंग, तो शाम को मैं और मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है वो साथ में गई थी, और फिर मैंने पियर्सिंग करवाया था। हाउ मच इट कॉस्ट एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर 1000 के अंदर ही था, तो मैंने जाके वहाँ से पियर्सिंग करवा लिया था। आपको कैसा फील हुआ था जब आपने करवाया था? जब उन्होंने पियर्सिंग किया था तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकली थी, आई नो मी। वीडियो भी था मेरे पास, पर वो फोन टूट गया तो उसमें से मुझे कुछ मिला नहीं, तो अभी वो वीडियो नहीं है मेरे पास। और वापस घर में आने के बाद मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं वहाँ आई मम्मी चिल्लाई थी। मम्मी बोलती मम्मी ने तो मना किया था, अब चिल्लाओ आई मम्मी। नेक्स्ट दिन पेन हुआ था, इज इट पेनफुल? तो मुझे करवाते टाइम थोड़ा पेन हुआ था, उसके 10 दिन तक मतलब हल्का हल्का सा पेन था, मतलब इतना ज़्यादा पेन नहीं था, जैसे कान में करवाते हैं लगता है वैसे ही। और 10 दिन तक मैंने लगातार सरसों का तेल लगाया था गर्म करके, तो एकदम नॉर्मल हो गया था। तो पियर्सिंग करवाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10-15 दिन गुनगुना करके ऑयल लगाएंगे तो आपका पेन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पेन जो है वो गायब हो गया। और मुझे आदत है पेट के बल लेटने की, और जब तक मुझे पेन था तब तक मैं पेट के बल नहीं लेटती थी कि कहीं दर्द हो जाए या फिर गलती से मुझसे कहीं दुख जाए, तो इसलिए अवॉइड करती थी मैं। करवाने से पहले डर तो मुझे भी था कि बहुत पेन होगा, पर मैंने मन बना लिया था तो मैंने जाके करवा लिया। मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ था, शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी करवाने के लिए इसलिए, पर थोड़ा बहुत पेन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया मेरी नॉर्मल हो गई थी। कैन वी रिमूव इट? यस ऑफ कोर्स यू कैन। मैंने जब करवाया था तो बहुत पतला रिंग था, और वो एक मंथ के अंदर ही उसका ऊपर का हिस्सा कहीं गुम हो गया था, तो मैंने न्यू ऑर्डर किया था और वो थोड़ा मोटा था, तो मैं खुद से उसे नहीं पहन पा रही थी। मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने फिर वो मुझे पहनाया था, उसके बाद से अब मैं खुद से चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिंग मेरे थे जिनका स्टोन गायब हो गया, किसी का ऊपर का हिस्सा गायब हो गया, तो अब खुद से ही चेंज करना पड़ता है। इज इट हार्मफुल?
आई डोंट थिंक सो कि ये हार्मफुल है, क्योंकि जैसे हम ईयर में नोज में पियर्सिंग करवाते हैं ये भी वैसे ही है. वॉट इज द मिनिमम एज टू हैव दिस डन एंड डज इट नीड एनी स्पेशल केयर? मेरे हिसाब से आप 18 या 18 के बाद करवा सकते हैं, क्योंकि तब आप अच्छे से केयर कर सकते हैं. पर अगर आपको लगता है कि आप 18 से पहले पियर्सिंग करवाते हैं और पियर्सिंग करवाने के 10-15 डेज आप अच्छे से केयर कर सकते हैं, तो आप करवा सकते हैं स्पेशल केयर. स्टार्टिंग डेज में आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पेन को बढ़ाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है. तो हाँ, स्टार्टिंग डेज में स्पेशल केयर की जरूरत होती है. विल आई बी एबल टू चेंज? आई थिंक इसका आंसर मैं कर चुकी हूँ. पर हाँ, आप आराम से खुद से चेंज कर सकते हो. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हील? मुझे 10-15 डेज ही लगे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 डेज अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो आपका पेन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा. नहाते टाइम या नॉर्मली इन्फेक्शन होने के चांसेस है कि नहीं? जब आप नोज में या ईयर में पियर्सिंग करवाते हैं तो आप कितना ध्यान रखते हैं, मतलब कैसे केयर करते हैं? आपको वैसा ही केयर यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो इन्फेक्शन या फिर पेन होने का चांसेस नहीं है. पर अगर आप लापरवाही नहीं करते हैं तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने पियर्सिंग करवाया है वहाँ पे, मतलब कपड़े वगैरह ना फंसे या फिर नहाते टाइम आपका हाथ गलती से ना लगे. तो थोड़ा बहुत अगर आप केयर करते हैं स्टार्टिंग डेज में तो इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है. और मुझे तो नहीं हुआ था, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल रही हूँ इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है. शायद मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे बचपन से ही शौक था यहाँ कुछ पहनने का. तब मुझे नहीं पता था कि पियर्सिंग भी करवा सकते हैं, तो उस टाइम मैं यहाँ बिंदी लगा लिया करती थी. 2017 में ही मुझे पता चला था कि यहाँ पियर्सिंग भी करवा सकते हैं, और तभी मैंने करवाया भी था. विच टाइप ऑफ ज्वेलरी इज गुड? मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बेस्ट हैं. मैं ऐसे जब भी ऑनलाइन देखती हूँ ऑर्डर करने के लिए ना, तो मेरी मम्मी बोलती एक काम कर, अब तू गोल्ड का ही बनवा ले परमानेंट. तो मैं इसके लिए ज्वेलरी शॉप पे गई भी थी, पर शायद ये ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा. और अगर मैंने गोल्ड का बनवाया तो बनाते टाइम मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी. और मुझे पर्सनली स्टोन वाले ज़्यादा पसंद हैं, पर वो स्टोन कब गिर जाता है पता भी नहीं चलता है. शो अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेवल रिंग डिज़ाइन. मेरे पास अभी एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है. तो न्यू अगर मैं जब ऑर्डर करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी. मुझे ऐसे जो देखने में थोड़े लाइट वेट लगते हैं वही अच्छे लगते हैं. जिनमें थोड़ा सा ऐसे लटकने वाला रहता है वो मुझे लगता है शायद हैवी होगा, इसलिए मैंने वो कभी पहना नहीं है. डिज़ाइन मुझे वो पसंद है जो सिंपल हो, ज़्यादा हैवी ना हो और कपड़े वगैरह में फंसे ना, या फिर पहन के ऐसा ना लगे कि कुछ पहना हुआ है. तो मुझे एकदम सिंपल और लाइट वेट वाले पसंद हैं. अब इसका क्या आंसर करूँ? क्या लड़के भी करवा सकते हैं? मुझे बताओ सच सच में, किस किस को करवाना है? मेरा मतलब है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जिसका मन हो वो करवा सकता है. क्या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा इससे? अभी तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. मुझे 3 साल हो गए हैं करवाए और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं जब चाहें. तो ऐसा तो नहीं है कि आपको इसे पहन के ही रखना है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. आपका फेवरेट रिंग? अभी तो मुझे ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, पर मुझे छोटे और स्टोन वाले पसंद है. इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे. आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हो, और आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो मैंने क्लियर किया हो. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. Bye.